हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ। लेट अस स्टार्ट वंस अगेन आवर सेशन विद न्यू चैप्टर व्हिच इज लार्ज नंबर्स। डियर स्टूडेंट्स, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड नंबर्स अप टू 7 डिजिट, दैट इज़ अप टू 10 लाख इन क्लास 4। हियर विल बी लर्निंग नंबर्स अप टू करोर्स। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग 10 लाख तक के जो नंबर हैं उनको अच्छे से लिखना और पढ़ना समझ लीजिए, सो दैट वी कैन ईजली अंडरस्टैंड फर्दर। द ग्रेटेस्ट और लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर इज 99,999। व्हेन वी ऐड 1 टू इट वी गेट 1 लाख। द ग्रेटेस्ट और लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर इज 9,99,999। When we add 1 to it, we get 10 lakh. 10 lakh is the smallest 7-digit number. Similarly, the greatest 7-digit number is 99,99,999. When we add 1 to it, we get 1 crore. 1 crore is the smallest 8-digit number. आप लोगों ने तो कौन बनेगा करोड़पति देखा ही होगा। तो 1 करोड़ में कितने ज़ीरो होते हैं? यस, 1 करोड़ में 7 ज़ीरो होते हैं और यह 8-डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर होता है। वी रीड दीज नंबर एज 5 9s, दैट इज 99,999। आफ्टर दैट 1 फॉलोड बाई 5 ज़ीरो विच इज़ 1 लाख। देन आफ्टर 6 9s which is 9,99,999. Next number is 1 followed by 6 zeros which is 6 lakh. Then after 7 9s which is read as 99,99,999. Finally 1 followed by 7 zero which is 1 crore. Now let us understand it with place value chart. Here you can see that first 3 digit from right side is for ones period, then after 2 digits for thousands period, then after 2 digits for lakhs period, and then after 2 digits for crores period. The number written above would be read as 50,86,32,479. Reading of large numbers. Before reading a number, we divide it into periods starting from right, separate periods by comma. किसी भी नंबर को पढ़ने से पहले हम उनको पीरियड्स में डिवाइड करते हैं और स्टार्टिंग फ्रॉम राइट उनको कॉमा के थ्रू सेपरेट करते हैं। लेट अस टेक फ्यू एग्जांपल। एग्जांपल 1, 824050 विल सेपरेट इट एज शोन हियर एंड विल अप्लाई कॉमा 2 एंड विल रीड इट एज ए 8,24,050। एग्जांपल 2, 9,000502 will separate it as shown here and will apply comma and will read it as a 90,502. So students, in this session we have learned that how to read large numbers. In the next session we'll be learning that how to write large numbers. Have a nice day.